हमारे रेवाड़ी शहर के जाने माने पत्रकार छायाकार बंधु आदरणीय शंकराचार्य धर्मसभा आयोजन समिति के सभी कार्यकारिणी सदस्य, कल रविवार को बाल भवन में बद्रीनाथ धाम से पधारे आदरणीय शंकराचार्य जी का यहाँ पर एक धर्म सभा आयोजन बाल भवन में किया जाएगा। उसके लिए हमारे बीच आदरणीय परम आदरणीय शंकराचार्य जी लगभग 1 बजे के बीच में हमारे बीच में होंगे। सर्वप्रथम हम उनका आदर सत्कार मॉडल टाउन राधा कृष्ण मंदिर पर करेंगे। वहीं पर आगंतुकों की तथा जो महिलाएं कलश यात्रा में हमारे बीच होंगी तथा जो भी समिति के सदस्य होंगे उन सभी के वहां पर भोजन व्यवस्था भी रखी गई है। वहां से रथ बग्गी में ढोल और बैंड के द्वारा आदरणीय शंकराचार्य जी को हम बाल भवन में लेकर के आएंगे। जो हमारा रूट रहेगा राधा कृष्ण मंदिर से शास्त्री चौक, शास्त्री चौक से गांधी चौक, गांधी चौक से शिव चौक एवं बाल भवन। धर्मसभा का आयोजन लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच शुरू हो जाएगा। वो कार्यक्रम 2.5 से 3 घंटे का चलेगा। उसके दौरान एक प्रश्नोत्तर भी करते हैं हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी। सनातन धर्म के प्रति यदि किसी भी इंसान को, किसी भी भाई को कोई भी संकोच ना करते हुए कोई भी बात उनसे पूछनी है अपने धर्म के बारे में, तो वो उस समय उनके सवाल जवाब भी करते हैं, देते हैं। उस कार्यक्रम के उपरांत वहां पर एक भंडारे का भी आयोजन किया गया है जो सभी के लिए होगा। सभी लोग वहां पर भंडारे का भी प्रसाद लेंगे। उसके बाद आदरणीय शंकराचार्य जी टीपी स्कीम में हमारे विजय बब्बल जी के घर पे उनका रात्रि विश्राम रहेगा। वहीं पर जाने के बाद सर्वप्रथम उनका पादुका पूजन हो गया। पादुका पूजन के बाद उनका वहां पर प्रवचन भी होगा 1 घंटे का। उसके बाद रात्रि विश्राम सवेरे 6:30 से 7:30 बजे गुरु दीक्षा आदरणीय शंकराचार्य जी देंगे। जो भी कोई उनका शिष्य बनना चाहता हो, उनका गुरु नाम लेना चाहता हो, सवेरे 6:30 से 7:30 बजे टीपी स्कीम हाउस नंबर 144 टीपी स्कीम में विजय बब्बल जी के यहाँ पर व्यवस्था की गई है। उसके बाद जो भी कोई शंकराचार्य जी को पादुका भोजन के लिए अपने परिवार में, अपने घर में ले जाना चाहे तो व्यवस्था रखी गई है। हमारा ध्येय एक ही है, किसी के भी घर में यदि आदरणीय शंकराचार्य जी के चरण पड़े उसका घर भी पवित्र हो, उसका मन भी पवित्र हो और हमारे धर्म की भावना भी बढ़े। उसके बाद भोजन के उपरांत आदरणीय शंकराचार्य जी की विदाई समारोह होगा। उसके बाद यहाँ से वो महेंद्रगढ़ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। इस तरह का प्रोग्राम रखा गया है। आप सभी से करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है, हम और आप एक ही धर्म के हैं, एक ही हमारी आस्था है, एक ही हमारा परिवार है। हम सभी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, पूरे परिवार सहित लें, अपने इष्ट मित्रों सहित लें, रिश्तेदारों के सहित लें। आप सभी सादर आमंत्रित हैं तथा इस बात का इतना प्रचार करें कि लोग धर्म भावना से जुड़ें और हमें अपने सनातन धर्म के बारे में, क्योंकि सनातन धर्म में आदरणीय शंकराचार्य से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है और वो भी जो बद्रीनाथ धाम है उनके उस मठ के गुरु हमारे बीच आ रहे हैं। ये हमारे रेवाड़ी के सौभाग्य हैं, अवो भाग्य हैं। उस हवन कुंड में हम सब मिलकर अगर थोड़ी थोड़ी आहुति भी डालेंगे तो एक बहुत बड़ा यज्ञ हो जाएगा और हमारा भी जीवन सफल होगा। आप सभी से पुनः करबद्ध निवेदन, कृपा इस बात का ध्यान में रखते हुए आप सभी हमें सहयोग भी करें और हमारा आगे मार्गदर्शन भी करें। कहीं हम गलत हों तो हमें बताएं,
क्योंकि आपकी जो आईक्यू है, जो आपका दिमाग है, वो हमसे कई गुना ज्यादा भगवान ने दिया है, क्योंकि आप हर जगह जाते हैं, हर जगह आपकी सोच है। कृपा हमें मार्गदर्शन भी करें और हमारा सहयोग भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने केवल 51 का ही रखा है, अभी हमारे पास 50 या 51 लेडीज, हमने ज़्यादा बड़ा आयोजन ये नहीं बनाया, टाइम शॉर्ट था। उनसे बोली आप सबसे वोट मिलना चाहते हैं तो एक हम उससे पूछ लेते हैं पहले, 100 में से 99% तो जो जहाँ पे उन्होंने विश्राम टीवी स्कीम में होगा वो वहीं पर पेंच वार्ता संभव है, शायद वहीं हो। तो स्थान और समय वो आप सबको सूचित किया जाएगा और आपसे अनुरोध है आप सब वहाँ पर भी आएँ और महाराज जी आप सबसे मिलना भी चाहिए।